और ये स्थिति जो थी वह चरखी दादरी की बनी हुई थी। विधायक के घर का जो है आवास का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया, जहां पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई नजर आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी से खबर, 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में किशोरों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। शिवानी में 75,000 माफ कीजिएगा, भिवानी में 75,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए विभाग ने 35 जगह निर्धारित कर दी है। किशोरों ने बताया कि आज से सरकार की ओर से आयोजित वैक्सीन कैंप में पहुंच रहे हैं बच्चे और वैक्सीन लगवा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें कोई भी डर नहीं है और कोरोना को भगाने के लिए वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारी कोवैक्सीन का स्टॉक अब 17,500 है अभी, और जैसे भी स्टॉक की हमारी स्टॉक में 5-10 हज़ार हम रखेंगे, उसे हमने डिमांड भी कर रखी है, वो आज कल में आ जाएगा। तो कोवैक्सीन की हमारी, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड आएगी, और जो हम मजदूर होते हैं, घूमने फिरने वाले आदमी होते हैं, उनको भी हम कोवैक्सीन लगाते हैं। कोविशील्ड जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो यहीं पर रहते हैं, जो उसको पहले डोज कोविड लग गई, सेकेंड डोज भी हम कोविशील्ड लगाते हैं। तो कोविशील्ड का हमारा स्टॉक ज़्यादा है, कोवैक्सीन का भी हमारे 17,500 के पास है। सर, वैक्सीन सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे हमें कोरोना से बचाव होएगा, और ज़्यादातर बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए सर। जो अभी भी मतलब जो बचे हुए हैं उनको सबको वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोरोना से ज़्यादा ज़्यादा बचा सके। बच्चों को वैक्सीन लग रही थी तो हमने भी ये सोचा कि हमें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी भी है। तो हमें यहाँ भी आने के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने आए हैं, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे सभी बच्चों को लगवानी चाहिए जो भी 15 से 18 साल के हैं। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है।